2022 के दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले जेडीयू दिल्ली में तैयारी करनी शुरू कर दी है। इस वक्त बदरपुर में आज एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया था जेडीयू की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से 2022 में दिल्ली में एमसीडी चुनाव है तो जेडीयू चाहती है कि जहां पर पूर्वांचल और खासकर के बिहार के लोग रहते हैं उन सभी बिल्कुल आज हमारे पार्टी में जुड़ी है सुषमा मिश्रा जी, और पिछली बार ये आम आदमी पार्टी से हरिनगर वार्ड से चुनाव लड़ी थी और बहुत अच्छा वोट आया था, और नीतीश कुमार जी के प्रति अपना आस्था जताते हुए और यहाँ आज पार्टी में इनका मिलन समारोह था। बड़ी संख्या में लोग आए, हम लोग पिछली बार भी आप लोगों को याद होगा एमसीडी चुनाव लड़े थे, एक बड़ा आधार पार्टी का बना है, और इस बार हम लोग क्या कितना संख्या में लड़ेंगे वो तो प्रदेश के नेता लोग तय करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी यहाँ एमसीडी का चुनाव लड़ेगी। नहीं, जो भी परिस्थिति हो गठबंधन होगा वो तो नेतृत्व तय करेगा, लेकिन पिछली बार भी अकेले हम लोग लड़े थे एमसीडी चुनाव में, तो वो तो तय होगा जब समय आएगा, लेकिन हम लोग अपना काम ऑलरेडी 5 साल से कर रहे हैं दिल्ली में। पिछला असेंबली चुनाव में भी हम लोग अलायंस में 2 सीट लड़े थे और अच्छा वोट आया था, और इस बार आपको एमसीडी चुनाव में भी हमारी तैयारी चल रही है, और ख़ास करके जहाँ पूर्वांचल का एक बड़ा आधार है लोगों का, वहाँ से ज़्यादा डिमांड है कि यहाँ पर आप चुनाव लड़ें, तो हम लोग बड़े स्तर पर चुनाव हैं लड़ेंगे। मैं अभी नहीं बता सकता हूँ नंबर, अब तो आज शुरुआत हुई है, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं पार्टी के अन्य नेता हैं वो लोग बैठ करके तय करेंगे, और आने वाले टाइम में हमारे पार्टी के अन्य नेता भी यहाँ आकर के कार्यक्रम करेंगे, और मार्च में मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम दिल्ली में हो। सर, नीतीश कुमार जी निकल रहे हैं सीडी वाले सीट पर, जेडीयू अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो इस वक्त संजय झा जो कि दिल्ली प्रदेश जेडीयू के प्रभारी हैं और बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो एक सभा को संबोधित किए हैं यहां पर और अपने कार्यकर्ताओं को खास करके बिहारी वोटों को लुभाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से 2022 के एमसीडी चुनाव में दिल्ली विधान में एमसीडी चुनाव लड़े और अपनी पार्टी को मजबूत करें। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ किशोर कुमार झा, कशिश न्यूज, दिल्ली।